ये बच्चों वाला झूला है। मेरे ठीक लग रहा है कि कोई और लगाओ? नहीं नहीं ठीक है, चलो जल्दी चलो। बहुत बार क्यों लग रही बटरफ्लाई? नहीं दिन में तो फ्रंट कैमरे से अच्छी आती है ना इमेज। रूम में थोड़ा सा दिक्कत होती है फ्रंट कैमरा से पिक्चर कैप्चर करने का। हेलो गाइस, तो आज है संडे और हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बट हम निकले हैं थोड़ा टाइम बाहर घूमने के लिए। बट नो डाउट जहाँ भी जाएंगे आपको जरूर लेकर जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। हेलो, हाय। और यहाँ पे क्या कर रही है इतनी धूप में? मैं यहाँ पे कुछ नहीं, टाइम पास कर रही हूँ। सो आपको दुनिया का सबसे हरा पेड़ दिखाने जा रहा हूँ, ये देख लीजिए। सबसे ज्यादा हरियाली इसी के ऊपर है। इसका मजाक मत उड़ाओ, ये भी हरा था कभी। हाँ होगा किसी टाइम पे हरा। सो गाइस, आज है संडे और टाइम हो चुका है शाम के 4:15 और जस्ट हम अभी निकले हैं रूम से। अभी पता नहीं है कहाँ जाएंगे और कहाँ के लिए निकले हैं, ये भी डिसाइड नहीं है कुछ। बने रहना ब्लॉग पे क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे ऑब्वियसली आपको साथ में लेके जाएंगे। तो लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेशली आपको धन्यवाद करने के लिए है, थैंक यू बोलने के लिए है, क्योंकि आपकी बदौलत आपकी सपोर्ट से हमारे जो यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं वो 1000 कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी YouTube फैमिली जो है वो 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और यूं ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और हो सकता है इसके लिए हम छोटी सी सेलिब्रेशन जरूर करेंगे, एक केक कट करेंगे आप लोगों के नाम का और खाएंगे हम दोनों, लेकिन आपके नाम का। तो अभी देखो कहाँ जाते नीचे, हैं नीचे। हाँ नीचे देख रहे हैं। और गाइज दिन में ना ब्लॉग बनाने का बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि दिन में जो होती है वो लाइटनिंग का जो इशू नहीं रहता। और अभी हम पहुंच गए हैं जूस स्टॉल पे और यहाँ पे इंदु को मिलेगा जूस। नहीं पीना मैंने। आप वीडियो बना रहे हो? और हम पहुंच चुके हैं एक पार्क में, लेकिन आज संडे है तो शायद इसकी वजह से कोई आया नहीं है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, बट बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा से अंकल देख रहा है, मैंने बोल दिया। लेकिन मैं ऊपर शॉट बनाने के लिए बैठी तो दूरियों के लिए थोड़ी बैठी थी। तो क्यों फिर ऐसे चिल्ला रही? तुमने क्यों घुमा दिया? पता नहीं होगा तुम्हारा। बाद में मत बोलना मेरे को, ये भी बच्चों वाला है। और संडे को ना टाइम पास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रूम पे। पूरा दिन आप सो तो नहीं सकते क्योंकि फुल नाइट सोए होते हैं, तो संडे को पूरा दिन कितना सोओगे आप। तो फाइनली अभी धूप थी लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो यार बाहर निकलते हैं, एक आउटिंग करके आते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। नहीं तो रूम में तो खुद को ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि हम बीमार हैं, और बीमारों जैसा फील होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा बाहर निकल के आए और यहाँ पे थोड़ा सा देर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे पार्क में। और उसके और ये चील का पेड़ यहाँ कहाँ से आ गया पंजाब में? ये तो हिमाचल में होते हैं, यहाँ पे किसी ने लगाया होगा आई थिंक। देखो ऐसी ही हरियाली होनी चाहिए, और ऐसी हरियाली अगर हमको चाहिए तो हमें आई थिंक पेड़ भी लगाने चाहिए। और आज की जनरेशन में ना सच में बताऊँ 1% वो चीज़ नहीं है इस चीज़ को डेवलप करने के लिए कि चलो हम जो हरियाली है उसको बढ़ाएं या उसको ग्रो करें। जिस जैसे हालात हैं उस हिसाब से हर इंसान के नाम से एक पेड़ ज़रूर होना चाहिए। और ये देखो सामने इंदु झूला झूलते हुए, ये बच्चों वाला झूला है।
बहुत ही ज़्यादा हरियाली है और इसको मेंटेन रखना पड़ता है तब ये हरियाली रहती है, और ये हम हर जगह रख सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। तो आज के ब्लॉग का यही मैसेज समझ लीजिए कि आप लोगों को पेड़ लगाने चाहिए ताकि हर जगह पे हम ऐसे ही एंजॉय कर सकें। और असली पेड़ों की छाया का आनंद लेते हुए तीन साथी को बता दें कि हम वहीं पे आए हैं जहाँ पे हम लास्ट संडे को आए थे, वर्ल्टन पार्क में। एक्चुअली जब लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो ऑलमोस्ट 5 बजने ही वाले थे और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे 10 या 20 मिनट ही यहाँ पे स्पेंड किए थे, और हमें पार्क बहुत अच्छा लगा था। और आज हमने सोचा कि चलो जल्दी निकलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर में यहाँ भी पुलिस आने वाली है और उसके बाद यहाँ से जो भी अंदर है उनको खदेड़ के बाहर निकाल देंगे। तो लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि इस बार हम थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पे। और नो डाउट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और अब आते रहा करेंगे। बट गाइस आज आइसक्रीम वाला नहीं आया था, मैंने सोचा आज मैं ठीक हो गई हूँ तो खा लूँगी, बट नहीं आया। लगता है इन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि नहीं आना क्या करें। लेकिन गाइस फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आज के ब्लॉग का आपके लिए मैसेज है कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं, और जैसी हरियाली हमने देखी है सच में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है ये सारी चीज़ें देख के, मतलब ऐसा हरियाली देख के। तो ऐसी हरियाली हम हर जगह बना सकते हैं, तो आप भी बनाइए और एक पेड़ ज़रूर लगाइए। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं जहां के लिए हम आए थे, लेकिन ये रहा कुमार बेकर्स, लेकिन इनका शटर डाउन है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। लॉक है नहीं मिलेगा। हाँ तो मॉर्निंग में हथौड़ा बोल लेते हैं उस टाइम, तो एक बार कॉल करके देख लेते हैं। तो अभी कॉल करके देखते हैं कि केक मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर नहीं मिलेगा तब भी कोई बात नहीं, अगर मिल जाएगा तो बेस्ट है। तो क्या बोलना, मना कर दिया। सो गाइज ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करने वाले हैं, और अभी हम जाकर आए हैं अपनी बुआ जी के घर। जैसे आपको पता ही हो, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि हम यहाँ पे हमारे लोकल हमारे बुआ जी थे जिनके घर हम जाते थे मोस्टली। और सैड न्यूज़ ये है कि कुछ दिन पहले हमारे बुआ जी की डेथ हो गई थी कोरोना की वजह से, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस है ये। और उसके बाद हम उनके घर जा नहीं पाए थे, रीज़न था जैसे कोरोना में उनके जो बेटे हैं उन्होंने मना किया था कि हम भी सस्पेक्टेड हैं तो प्लीज़ आप भी मत आइएगा, उसके बाद इंदु भी बीमार होगी, तो हम वहाँ पे नहीं गए थे। और आज जाकर आए हैं तो मन बहुत दुखी है, और सच में एक जो एक्साइटमेंट होती थी चलो अपने को पास अपनों के पास गए हैं, और वहाँ से आकर जो खुशी फील होती थी वो आज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल फैमिली का एनवायरनमेंट था। कभी भी हम चले जाते थे, कभी भी बुआ फ़ोन कर देते थे कि संडे को आ जाना। कई बार मेरे को आज भी याद है, एक बार बुआ जी ने गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी और हमें बुलाया था तो हम गए थे, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो एक बार मैंने बुआ जी को बोला था तो उन्होंने स्पेशल हमारे लिए बनाई थी। मीन्स हमारा आपस में बहुत एक स्पेशल रिलेशन था, संडे की चाय उनके पास जाना थी, कभी भी हम वहाँ से जाना तो माइंड में होता चलो बुआ जी के पास जाके चाय पी के आते हैं। तो गाइस इसलिए आज मन है वो कुछ ज़्यादा ही अशांत है, क्योंकि अभी हम वहाँ से जाके आ रहे हैं। तो जैसे हमने बताया था कि हमारी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमने इसके लिए सेलिब्रेशन भी करनी थी, जैसे आपके सामने हम केक लाने भी गए थे, केक नहीं मिला,
चलो अच्छा हुआ नहीं मिला, लेकिन हमें आ रहा फिर भी था कि कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह ले जाके हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अभी सेलिब्रेशन बिल्कुल कैंसिल है। हम ये करेंगे सेलिब्रेशन 2000 सब्सक्राइबर गेन होने पर। और गाइज यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और 2000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, फिर हम दोबारा से सेलिब्रेशन इंजॉय करके आपको शेयर करेंगे और बने रहेगा हमारे साथ ब्लॉग्स में। सेलिब्रेशन होती है वो एक मन से होती है, और शायद अभी आप हमारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि इस टाइम पे फीलिंग ऐसी है कि एक तो अनएक्सपेक्टेड जो लॉस होता है ना उसमें कुछ ज़्यादा ही दुख होता है, सोचा नहीं था जो हो गया। तो अभी बस ऐसा ही है कि सेलिब्रेशन का मूड नहीं है, तो जैसे ही 2K हो जाएंगे तो डेफिनेटली विल सेलिब्रेट। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।